जस्मी अमर सलीमा और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं मिडिल क्लास भी नहीं हूँ बाय हसीब खान। स्टैंड अप कॉमेडी है और आई थिंक हम फर्स्ट टाइम इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। हमने बहुत सारे भी किया है, सबके बहुत अच्छे लगे। अब इसकी बारी है। वाकई में और जितने भी न्यू हमने किए ना, हमें तकरीबन सबकी कॉमेडी बहुत अच्छी लगी। कभी हम कंपेयर नहीं कर सकते इसकी अच्छी है इसकी अच्छी। तो हम देखते हैं इनकी कैसी है। और मिडिल क्लास खास तौर पर अगर तुम बिलो एवरेज शक्ल के हो, सच बताना तुम्हें ये सलाह जरूर मिली होगी कि लड़कियां ना शक्ल नहीं दिल देखती। फिर तुम्हें 2-3 महीने अच्छा लगता है, फिर तुम्हें समझ में आता है दिल दिखता किसका है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई क्या बोलते मियां भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अच्छा कितने लोग यहाँ पे ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये आप ही। और देखो क्या है कि अच्छी बात है तुम्हें पता है दैट यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास। दिक्कत उनके साथ आती है जिनको नहीं पता होता। मेरे को अपना खानदान समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन लोग हैं जो भूखे भी नहीं मर रहे और स्प्लेंडर भी नहीं खरीद पा रहे। ये मार्केट जाते हैं अंगूर का रेट पूछते हैं, वो बिना खरीदे ही कॉन्फिडेंस के साथ 2-3 उठा के खा जाते हैं। मैंने लोगों के घर में अच्छी अच्छी बातें होती थी, कोई पॉलिटिक्स पे बात करे, कोई क्रिकेट पे बात करे। मेरे घर पे इतनी वाहियात बात चल रही ना, घर में सब लोग मिलके एक ही बात कर रहे हैं कि पार्ले जी में पहले 16 बिस्कुट आते थे, आजकल 12 ही आते। और 16 आते थे ना, हम लोग 8 लोग थे घर में, सब 2-2 बाट के खाते थे। पार्ले जी ने 14 कर दिया, हमने बहन की शादी करा दी। उसने 12 करे, भाई को 2 ही भेजा हमने। एक दिन अफोर्ड गई, 10 होने वाले हैं, फिर दादी की दवाइयाँ छुपाई। यार दादी बहुत याद आती हैं। और किसी से पता चल जाए लाइक किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं तुम्हारे घर वाले तुम एज ए बेबी अगर तुम रहते हो तो। आजकल क्या हो रहा है कि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी साबुन फलानी कर कुछ आ गए उनका बेबी केयर प्रोडक्ट। मेरे टाइम पे सिर्फ मेडिमिक्स, ज्यादा से ज्यादा हम्माम। मेरा बचपन से ड्रीम था किस दिन पियर्स से नहाएंगे उसमें आर पार देखेंगे। मैं कभी स्टोर जाके कह भी देता ना मम्मी मम्मी पियर्स साबुन दिला दो, कहला नहीं बेटा वो महंगा साबुन है, बट्टे पे नहलाएंगे तुम्हें। मेरे भाई को बैडमिंटन खेलने का शौक था, उसे इन्होंने कुकर के ढक्कन से खिलवाया। और सिर्फ 7 बजे तक खेलने देते थे उसे। कहते थे आगे दाल चढ़ेगी। और बच्चा रोता है ना तो उसके लिए भाई खिलौने होते हैं, इन्वेंट हो चुके हैं। मैं रो रहा हूँ मम्मी वहीं पे क्या कर रही, कुछ नहीं मिल रहा, गई किचन में, गई एक कटोरी उठाई मेरे सामने से घुमा दी। ओ मैं चूतिया हर बार चुप हो रहा हूँ। हाँ और मैं यार देखो जिस तरह की फैमिली लाइक मेरे रिश्तेदार भी इतने ख़राब है ना, एक रिश्तेदार ऐसा उसका फ़ोन तभी आता है जब उसे किसी की मौत की खबर देनी होती। मैंने नोट किया उसका यही काम, पता नहीं क्या मजा, उसके पहले कोई खबर दे जाए उसे बुरा लग जाता है। ये इतनी जानकारी इकट्ठी करके फोन कर रहा है, सामने वाला रो रहा है, कह दो कि झूठे कर रहा है, नहीं लाश सामने पड़ी है। इसकी कोई टाइमिंग नहीं है भाई। एक दिन रात को 3 बजे कॉल कर दिया, उठाने से पहले मेरी फट गई, मैंने अपने घर के गिने। मेरा भाई नहीं था, मैं चिल्लाने लगा यार। वो बेचारा बाथरूम से बिना धोए भाग के आया। और एक रिश्तेदार ऐसा भी होता है जिसको मौत की खबर देने में डर लगता है कि इसको मत बताओ तुम, काफी बुजुर्ग होता है फैमिली, जिंदगी 4 दिन की 3.5 जी चुका है। उसको यकीन ही नहीं होता कि 96 साल का आदमी अचानक मर कैसे गया। और इसको बताने से हम इतना डरते ना कि अगर इसको मौत की खबर दे दी तो इसकी मिला के आगे देनी पड़ेगी। और यार मेरी लाइफ में ना फीमेल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कम है, मतलब ऐसे सपने में भी ना लड़कियाँ बुरखा पहन पहन के आ रही हैं, जो मुसलमान नहीं है वो भी। अच्छा देखो क्या होता है कि आपकी लाइफ में फीमेल इंटरेक्शन कम होता है ना तो तुम्हारे दोस्त ऐसे हेल्प करने की कोशिश करते हैं,
दे प्रिटेंड टू हेल्प यू, उनका वो मतलब नहीं होता, वो अजीब अजीब सलाहें देते हो, खास तौर पर अगर तुम बिलो एवरेज शक्ल के हो। सच बताना तुम्हें ये सलाह जरूर मिली होगी कि लड़कियां ना शक्ल नहीं दिल देखती। फिर तुम्हें 2-3 महीने अच्छा लगता, फिर तुम्हें समझ में आता दिल दिखता किसका। यार हार्ट इज एन ऑर्गन विच इज इनसाइड योर बॉडी, इट्स नॉट लाइक मैं खड़ा हूँ आगे 2-4 लड़कियां आ रही मुझको चूतिया समझ रही, सब देख मेरा हार्ट को बुरा लगा बाहर आ गया, हाय चिक्स लुक एट मी आई एम अ वेरी नाइस हार्ट। और मैं जब भी दिल की बात करता हूँ लोग यही वाला शेप सोच रहा होता, ये हार्ट का शेप होता ही नहीं, रियल शेप हार्ट का इतना वाहियात होता ना, वो लगता शादी में लगे जनरेटर की तरह। हाँ और लोग तुम्हें अलग अलग सलाह देंगे, लाइक मेरा एक दोस्त है उसने कह दिया कि एक काम करो आप ना डेटिंग एप्स ज्वाइन कर लो, और किए मैंने, और डेटिंग एप्स को मैं तुम्हें बता दूंगा अरे डेटिंग एप्स ना एक स्कैम है, एक तुम ज्वाइन करते हो उसको 2-3 महीने बाद मुझे पता चला यार तुम कुछ भी प्रायोरिटीज डाल दो, इनको दिखाना वही है जो उनके पास अवेलेबल है, इतना तो मैंने डाला ही ना लड़की ही चाहिए। तुम बीच बीच में लौंडे क्यों दिखा रहे हो। मैं चाह कह रहा हूँ बीच में बदल जाऊंगा मैं एकदम से। यार मैं राइट स्वाइप कर रहा हूँ यूसुफ नाम का बंदा राइट स्वाइप वो राइट स्वाइप का फिर डीएम कर रहा है और मैं इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि टेक्निकली मैंने उसे चुना है। फिर मैंने 2-3 लड़कियों को राइट स्वाइप करा, राहुल नाम का बंदा है मैं लेफ्ट स्वाइप कर दिया उसको, उसका पता नहीं कहाँ से कॉल आ गया यार, कहता आसिफ भाई लेफ्ट स्वाइप करा आप। उनका हाँ राहुल एक्चुअली आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय, कहता फिर यूसुफ में ऐसी क्या बात थी। और तुम देखना कभी तुम ऐसे होता ना तुम जमाने में जलील हो रहा था टेंडर पर बंदा आती औकात जाता भूल, टेंडर पर आते से वो फिल्टर चाय डालेगा, लड़की चाहिए 18-22 साल की, मुंबई की होना चाहिए, थोड़ा अच्छे खानदान की होना चाहिए, फिर जब कोई मैच नहीं आता ना तो धीरे धीरे आता औकात में काम करो 25 की भी देख नासिक की भी चलेगी पुणे भी समझ लेंगे अपन। और जब भी कोई मैच नहीं आता फिर आ जाता भाई वो हैवानियत पे, टिंडर्स के था 40 की भी दिखाओ, इंडिया के बाहर की भी दिखाओ, हमें बांग्लादेश की भी दिखाओ। कभी ऐसा तुम्हारा मैच आ जाए ना टिंडर पे तो उसका सबसे ड्रॉबैक ये ही कि आप लड़की को मैसेज करते हो वहाँ से वो पैसे मांगने लगता है। तो मैं डेस्परेट मैंने दिए पैसे, तो पहली बार तो ना मुझे 250 रुपये में एक लड़की मिली, आपको बुरा लगता है लाइक आपको अगर कोई स्टीरियोटाइप करे, मेरे को बहुत करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माय फेस। हाँ रिसेंटली मैंने कैब बुक करी वो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके पास का हाथ में सवाल छीन ले के लंग खुद देख लेंगे ओटीपी, मैं अंदर बैठा सारे से बात ही नहीं करी यार, उसे शौक में बैठा, बट फिर मेरा घर आने वाला था उसने गलत टेल लिया, मैंने कहा चूती यहाँ से नहीं यहाँ से ले, नाउ ही गेट शॉक सर आप हिंदी बोल लेते हो। ये कब से साउथ का समझ रहा है मुझे। अच्छा शुरू में मेरे को लगा ये नई गाड़ी लेके आया इसका एटीट्यूड दिखा रहा होगा मुझे, और तू स्कॉर्पियो लेके आता मान भी लेता, ये नैनो लेके आया था। नैनो गाड़ी तुम समझते हो, तुम कभी चलती हुई नैनो गाड़ी से टकरा जाओ ना तुम पहले से ठीक चलने लगते हो। अब नैनो गाड़ी देख कैसा नहीं लगता इसको पकड़ के हम 2 बार पीछे करेंगे खुद आगे जाएगी। और मेरे को यार दिल से बुरा लगा इसने स्टीरियोटाइप करा, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा तो मैं बदला ले सकता हूँ, तो जब बिलिंग का टाइम आया ना कहता सर प्लीज पे 243 अब मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कहता सर प्लीज पे 243, मैंने कहा तय वैसे तो तमिल पैसे का नहीं सोलह का पूरी बिल लगी। अभी कोविड का टाइम चल रहा था, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव थर्ड वेव काफ़ी नेगेटिविटी सब, लोग इतना डर रहे थे ना भाई वैक्सीन से डर रहे हैं लोग, मैं अपने मम्मी पापा को वैक्सीन लगवाने लगा इतने डर रहे वो, और रुई लगती ना आपको वैक्सीन के बाद वो गिर गई, तो पापा वही नर्स से पूछ रहा मुझे कुछ होगा तो नहीं। नर्स मुझसे कह रही याद भी तुम्हारे साथ है इसको लेके जाओ यहाँ से। मैंने मम्मी से बोला पापा तो होगा तुम्हें लगवा लेते हैं, कहले नहीं बेटा 5 मिनट देख लेते हैं इनको। एंड फर्स्ट वेव वो सेकेंड वेव वो थर्ड वेव वो इतनी नेगेटिविटी मैं पॉजिटिव क्योंकि
उस टाइम पे एनआरसी की कोई बात नहीं कर रहा, वो मुद्दा ही गायब भाई, क्योंकि जिस टाइम एनआरसी का मुद्दा चल रहा था ना, हम लोग इतने अनसर्टेन थे ना, कहीं पे भी कुछ भी जवाब दे आ रहा। मैं जॉब के लिए गया, एचआर पूछता हसीब वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स, एंड आई एम लाइक इस्लामाबाद। All right guys, that's my time. And good luck to us. तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मेरे इस वीडियो को पूरा देखा। और हाँ, जो मैं अगला मकसद आप लोगों को जो दे रहा हूँ वो ये है कि फर्स्ट टाइम देखा और काफी मजा आया है मैं इसकी वीडियो देखकर। मैं मेरा ज्यादा जो फोकस है ना इसके एक्सप्रेशन पे था, वो है ना लाइक उसमें भी ट्रिकी वे में बता रहा था, जिस तरीके से पहले वो है ना बता रहा है जहाँ उसको हंसाना है ना आवाम को, वहां पे वो फिर खुद भी हंस रहा है और अंदर में ना वो बिल्कुल पॉइंट बात करके लाइक हंसा रहा है, पर वो हंस भी कैसे रहा था। मीन्स अच्छा था, लाइक अच्छा लगा, बट मुझे इतना ज्यादा लाइक वो एंजॉयमेंट जैसा नहीं लगा, बट नो डाउट इसका कंटेंट अच्छा था। मतलब यूं था कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छे थे, ठीक है, जो उसे मतलब ऐसा था कि सही से लेकर चल रहा था भैया, पर थोड़ा और अंदर ना कॉमेडी वगैरह कुछ ऐड करने चाहिए थे तो मतलब और मजा आता। बट जो बोला ना यार, वाकई में मेरे घर में भी इनफैक्ट कल ही बात हुई है, क्या इस वजह से बिस्किट काम कैसे हो गए ये बात मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि बाकी मेरे घर में डिस्कस हुआ था कितने कम हो गए यार बिस्किट से। और से यार शाहिर वाली मार भी लिया, आई मीन लाइक काफी अच्छा लगा मुझे वो वाला, हो गया बहुत आती है मुझे वो दवाइयां चुबा दी तो समझ गई, पर वो मुझे सबसे ज्यादा इसकी वाली अच्छा लगी। हमने जितने भी देखे हैं स्टैंड अप कॉमेडी के, ठीक है, सबके मतलब टाइटल्स इतने यूनिक होते हैं, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं हमसे लिंक कर ही रहे होते हैं, ठीक है, कि हमसे या किसी और से, या हम भी सोचते हैं ऐसा भी होता है लोगों के साथ, या हमारे साथ हुआ है, कहीं दोस्तों के साथ हुआ, वो कहीं ना कहीं इसे वो लिंक कर ही देता है। बट लिटरली वंडरफुल यार, सीरियसली बहुत अच्छा, बहुत मजा आता है किसी की भी हो, हमें स्टैंड अप कॉमेडी वाकई बहुत अच्छी लगती है। आपने फर्स्ट टाइम देखी, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी थी, मतलब स्क्रिप्ट और जैसे बोला एक्शन एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे यार। सो गाइस, अगर इनकी कोई और वीडियो है एंड डू यू वांट कि हम उस पर रिएक्ट करें, गाइस प्लीज हमें जल्दी से बताएं, हम जरूर उस पर रिएक्ट करेंगे। हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।